हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि और आप सबका स्वागत है। तो आज है ट्यूसडे 7 अप्रैल और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दिन से। तो यहाँ देखिए प्यूली कर रही है डांस, क्योंकि टीवी में चल रहा है म्यूज़िक, तो बस जहाँ जब भी म्यूज़िक या कोई ऐड आएगा तो उसने डांस करना है। और आज का ब्लॉग आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने जा रही हूँ। तो स्पेशल है कि आज मेरे हबी बने हैं लॉकडाउन में कबीर सिंह। तो आप देखना कि किस तरह से वो कबीर सिंह बने। अगर आप लोग को समझ आ जाते कबीर सिंह कैसे बने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हो गए 4 बज गए और हम आए छत पर, और छत पर ही बैठकर आजकल मैं सब्जियां काट लेती हूँ ऐसे ही। और अब छत से हम नीचे आ गए। अब मैं आज बना रही हूँ मोमोज़ बना रहे हैं, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आटा वगैरह ले लिया है, मैं मोमोज़ की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मोमोज़ खाए हुए, तो आज हम मोमोज़ बना रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे, तो लगभग 1-2 महीने हो गए थे, तो हम घर में बना लेते हैं। और हम जहाँ पर रहते हैं अभी, यहाँ पर अच्छे मोमोज़ नहीं मिलते हैं, और हम देहरादून के रहने वाले हैं वैसे, तो वहाँ पर बहुत टेस्टी मोमो मिलते हैं। तो वहाँ के मोमोज़ की तो बात ही अलग है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे मोमोज़ नहीं मिलते हैं, तो बस इसलिए हम घर में बना लेते हैं मोमोज़, और काफ़ी अच्छे बना लेते हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। तो मैंने आपको इसकी रेसिपी मोमोज़ की और चटनी की दोनों अपने चैनल पे है, मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो बस मैं इसी मोमो के लिए आटा वगैरह लगा दी थी और बाकी सब मैंने कर लिया कटिंग वगैरह। तो मुझे तो मोमोज़ बहुत पसंद है, तो आज मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे भी कुछ नहीं हो रहा था, चलो आज मोमोज़ बना लेते हैं। तो बस इसी के लिए मैं कर रही हूँ तैयारी, और बनाएंगे हम दोनों मिलकर, अभी देखिएगा आप आगे। तो मैंने गूंद लिया आटा, और उधर कढ़ाई वगैरह रख दिया, उधर वो कर रहे इतने प्याज वगैरह कटिंग कर रहे हैं अंशु के पापा। तो इतने बस मैंने कर लिया फटाफट से आटे की तैयारी। तो यहाँ लगा लिया मैंने आटा, आटा बन लगा दिया मैंने, मैदा और प्याज वगैरह सब कट गया। अब मैं बना रही हूँ उसका मसाला, उसका मसाला भून लेती हूँ। और इस तरह से प्याज को मैं क्रश कर लेती हूँ, और ये मैंने न्यूट्री वगैरह सब रेडी करके रख रहा है। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, न्यूट्री और गोभी। तो रेसिपी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाकर। तो ये देखिए मैंने कर लिया मसाला रेडी बिल्कुल, और आटा वगैरह सब लग गया, और किचन कर लिया है क्लीन। और अब बस ये करेंगे मोमो बनाने की तैयारी। तो इधर देखिए हलवाई को बना रहे मोमोज। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 1-2 महीने बाद आज हम मोमोज बना रहे हैं। चलिए देख लीजिए हम कैसे बना रहे हैं मोमोज। तो यहाँ इन्होंने मुझे अपने साथ भी लगा लिया, और मैं यहाँ इनके साथ बना रही हूँ पेड़ी, क्योंकि बाकी मोमोज़ वगैरह तो यही बनाते हैं मेरे। मुझे तो एक ही मेथड आता है गोल वाला, तो इनको बिल्कुल मोमोज़ के शेप वाला आता है, तो ये मोमोज़ यही बनाते हैं। और अब दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। मसाला वगैरह मैंने कर दिया, बाकी काम इनका है, तो बस मैं वो पेड़ी बना कर दे रही थी इनको, बाकी ये अपने आप कर रहे थे सारा। काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरे सारे काम में। 2-3 दिन से सोच रही थी मोमोज़ बनाऊंगी, पर आज काफ़ी दिनों से, तो आज मैंने कहा आज बना ही लेते हैं चलो, क्योंकि बाहर तो जाना हो नहीं रहा, और वैसे भी यहाँ अच्छे मोमोज़ मिलते नहीं हैं। बस मैं इनके साथ खड़ी हुई थी, छोटी छोटी पीढ़ियाँ तोड़ के दे रही थी इनको, और ये अपना भी बाकी पूरा प्रोसेस बना रहे थे आगे। बहुत ही टेस्टी बन गए थे मोमोज़। और कल है हनुमान जयंती, तो आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। कल मतलब कि 8 अप्रैल दिन बुधवार, तो कल है हनुमान जयंती, तो आप सबको ही बहुत बहुत बधाई हो। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हनुमान जयंती के दिन हम घर में रहेंगे, वरना हम हनुमान जयंती पे हमेशा बालाजी धाम जाते हैं।
और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर। और हर साल ही जाते थे पर इस बार नहीं जा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, इस बार घर में ही पूजा कर लेंगे। और साथ में हम काम भी करते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे दोनों, बस इस तरह दोनों बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से मिलता है टाइम हमें, संडे वगैरह कोई मिल पाता है, क्योंकि जॉब करने वालों के साथ तो बिल्कुल संडे ही मिलता है। तो आजकल काफ़ी बातें हो जा रही हैं हमारी, घर में टाइम मिल जा रहा है, बस हम दोनों बातें कर रहे हैं इधर उधर की। और ये साथ में गा रहे हैं गाना, गाना सुना रहे थे उधर मुझे, और मैं इनको बता रही थी कैसा गा रहे हो। तो देखिए ये हो गए मोमोज तैयार, अब बस ये पकेंगे इतने फटाफट से। ये दूसरे एक एक डब्बा तो बना लिया हमने, और दूसरा डब्बा बना रहे हैं अब ये। आप सीखिए आप इनसे किस तरह से ये फूल कर रहे हैं इसे। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। और इधर बैठी है पीहू, ये देख रही है इधर कार्टून, और बस अब इसने मुझे देख लिया तो इसको मम्मा के पास आना है। बच्चों का होता ही है जब मम्मी देख लेते तो मम्मी करते रहते हैं। तो इधर ही देख रही है मोटू पतलू, तो आजकल तो बस मोटू पतलू ही चलता रहता है, और हर एक बच्चे को मोटू पतलू बहुत पसंद हो गया है। तो पहले अंशु देखता था मोटू पतलू, आजकल वो एक्सपेरिमेंट देखने लगा, एक्सपेरिमेंट बोलता है एक्सपेरिमेंट बोलता है, और डिस्कवरी पे वो जो आते हैं ना डिस्कवरी चैनल में, फूड फैक्ट्री वगैरह कुछ इस तरह के, तो उसको बोलता है एक्सपेरिमेंट लगा दो पापा, तो उसने उसका नाम ही एक्सपेरिमेंट रख दिया है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब भी बोलता है एक्सपेरिमेंट लगा दो। और इधर देखिए हो गए मोमोज तैयार, और बस अब मैं इनको कर लूँगी प्लेटिंग, और चटनी बना ली थी मैंने टमाटर की, और मोमोज में मिर्ची विर्ची कुछ नहीं डाली है मैंने, सिर्फ चटनी में डाली है ताकि पीयू भी खा लेगी। वैसे मोमोज में मिर्ची डालनी नहीं चाहिए, पर कुछ लोग आजकल मोमोज में मिर्ची डालने लगे हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और बस मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग भी ले लीजिए एक एक, बहुत सारे बनाए आज सबके लिए बनाए, आप आ जाइए सब लोग खाने। तो बस मैंने इनकी कर ली है प्लेटिंग, और बीच में रख लूंगी मैं चटनी। और ये रख लिया मैंने टमाटर की चटनी, और बस अब हम चलते हैं इनको खाने एंजॉय करने। और मैं लेके जा रही हूँ, अब देखना आप पीहू का रिएक्शन, पीहू किस तरह से मोमोज देख के खुश होती है। वैसे हम बच्चों को ज़्यादा देते नहीं हैं, एक एक या दो ही दूंगी उसको मैं, ज़्यादा नहीं दूंगी बस। और ये देख लिया हमने खा ली हैं, और अब हम करते हैं इसको एंजॉय। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और अब बस अब हम कर लेते हैं इसे आज का व्लॉग को एंड। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें,